अब तक आपने देखा? पता ना बेटा, क्या परेशानी है? देख, मुझे बता दे, मैं ना ये चुटकी चुटकी बजाते ना सारी परेशानी का हल ढूंढूंगी। अभी पास टाइम नहीं है। पता है कमल दीदी, एक बात बताओ, ये सारी प्रॉब्लम ना लव मैरिज की है। बस शादी के बाद ना ये जो लव है वो गायब हो जाता है। हम हनीमून पर जा रहे हैं। वो क्या है ना कि मैं हूँ ना। पीछे तो? पीछे जाओ। रूल नंबर 14 याद है? लेकिन प्लान क्या है? प्लान ये है कि देखो, जैसे ही मुझे पता लग जाएगा ना तुम्हें बता दूंगा। What? अभी तू मुझे वचन दे कि तू हनीमून से आके मुझे खुशखबरी देगा। अरे भाभी, आप वहां जाकर थोड़ी ना सलवार कुर्ता या साड़ी पहनेंगी, वहां जाकर शॉर्ट्स के साथ ये पहनेगा। आई बिलीव दिस इज फॉर बेटरमेंट इन रोमांस। बेटा ये मौसमी ने भेजा है तुम्हारे। थैंक यू चाची। अब तू ठीक तो है? हाँ चाची, क्या बात है? कुछ नहीं चाची, वो बस थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। नर्वस? ये क्या पुराने जमाने की बातें कर रही है, नर्वस क्यों हो रही है? ये कहाँ इस घर की चाची को बोलने वाली बात अपनी चाची को बोलती। नहीं नहीं चाची, बस ऐसे ही। देख बेटा, वैसे तो तू बहुत समझदार है, पर क्या है ना, ये आजकल हनीमून बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया है। अब वहां जाके ये मत सोचना कि मेरी इस दोस्त के फलापति ने ये किया या फलापति ने वो किया, है ना जी। ये लार्जर देन लाइफ एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है बेटा। वैसे तो तू ऐसा नहीं करेगी, और एक दूसरे का ध्यान रखना, ठीक है? चाची, मैं मौसमी का गिफ्ट अंदर रख कर आऊं? हाँ, जा। आप बैठिए ना। हाँ। जी। ये पहनने वाली हो तुम? अभी शट अप। नहीं, मेरा मतलब है, कह रहा था कि अच्छा लगेगा पहन लो, नहीं तो फिर मौसमी बुरा मान जाएगी। I said shut up. Okay, cool. But this is really nice. You should wear it. Okay. मौसमी? सुपुत्र, आप कहाँ जा रहे हो? हनीमून पर, और कहाँ? इन वस्त्रों में? इन वस्त्रों में तो ऐसे लग रहा है कि तुम अपनी दुपहिया मोटरसाइकिल पे कहीं घूमने जा रहे हो। हाँ, वैसे लेह लद्दाख भी जा सकता है। अभी रस्सी, टेंट, ये सब नहीं लिया साथ में? सरू, ये भी लेना था क्या? हाँ, मैंने तो ये खरीदा ही नहीं। लो। अरे भाभी, ये मजाक कर रही है। क्या सरू? क्या चाचू, इतना तो कूल लग रहा हूं मैं। नहीं, क्या प्रॉब्लम है? कहीं आपको तो जलन नहीं हो रही है? इतना स्मार्ट तो लग रहा हूं मैं। हाँ भाई, बहुत जलन हो रही है। बरखुरदार, ये मत भूल, तू अपने हनीमून पे जा रहा है अपनी बीवी के साथ। क्या गोपाल, तुम कोई भी मौका नहीं छोड़ते उसे छेड़ने का। अच्छा मीरा बेटा जी, ध्यान से जाना और एयरपोर्ट पहुंचते ही मुझे फोन करना।
बड़ी भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ ना एयरपोर्ट छोड़ने इन्हें। क्यों एयरपोर्ट क्यों? अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, हम तो जा ही रहे हैं ना, हम छोड़ देंगे ना एयरपोर्ट। नहीं नहीं डैड, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और वैसे भी हमारे पास सामान बहुत है, है ना? हाँ। हाँ। अरे और उसी बहाने बेटी के साथ कुछ और वक्त मिल जाएगा। वो क्या है कि एक्चुअली हमने कैब ऑलरेडी बुला ली है, तो आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, आप आराम से यहाँ पर आराम कीजिए, हम चले जाएंगे। करेक्ट। क्यों? अरे घर में इतने सारे वाहन पड़े हैं, चलो सब लोग चलते हैं। अरे 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 एक सेकंड पापा, वो हम सोच रहे थे कि हम यहीं से एकांत में जाएंगे, वो क्या है ना कि अगर आप लोगों में से कोई भी हमारे साथ आएगा तो वो आपकी भाषा में हमारे एकांत में खलल पड़ेगी। तो फिर हमने सोचा कि हमारे हनीमून की शुरुआत हम यहीं से कर ले, है ना? चलो एकांत ही सही, पर अपना और मीरा का ध्यान रखना है। अबे बाबू आपकी गाड़ी आ गई। चलो चलो भैया गाड़ी आ गई, चलो चलो चलो। अरे बड़े भैया आप लोग भी आएंगे? अरे हाँ बेटा, टैक्सी तक छोड़ने आ रहे हैं। छोड़ने आ रहे हैं? मुझे बात कैब में ड्राइवर भी तो होगा। अच्छा सुनो, तो हम कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट, यही तो बोला था ना। अभी तो क्या हम सचमुच हनीमून पर जा रहे हैं? नहीं, क्यों चिक चिक कर रहे हो, छुट्टे दे रहे हैं ना आपको? मैडम जी, आपको चलते वक्त सोचना चाहिए कहाँ जाना है। कहाँ जा रहे मतलब पैसे लो और जाओ यहाँ से। आप तो पहले बोल रहे थे एयरपोर्ट जाना है, अब मेरे पास जो लोकेशन है उस हिसाब से मुझे एयरपोर्ट छोड़ना पड़ेगा। अब बीच रास्ते से यहाँ कहाँ ले आओ? देखो हमारा जहाँ मन करेगा ना हम वहाँ उतरेंगे। पर मैडम कंपनी वाला तो मुझे एयरपोर्ट तक का चार्ज करेगा। अच्छा कौन है आपकी कंपनी का मैनेजर? लगाइए फोन, मैं बात करती हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सर, रूम चाहिए। मिल जाएंगे? दे दीजिए। आपका नाम सर? अभिषेक अवस्थी। आप अकेले हैं? नहीं। तो उनका नाम? मीरा शास्त्री। मीरा शास्त्री सर, वो कौन है आपके? वो एक्चुअली मेरी वाइफ है, आप मीरा अवस्थी लिखिए। वो बाहर टैक्सी से सामान निकाल रही है। अच्छा सामान ले आओ मैडम का। सर आपका कोई फोटो आईडी? ऑफ कोर्स, ये लीजिए। थैंक यू। देखिए आप ऐसे काट रहे हैं या मैं पुलिस को फोन करूं? आप लोग की ना यही प्रॉब्लम है, बस लोकेशन को फॉलो करते हैं, पैसेंजर कुछ चाहे आपको कोई फिक्र नहीं है ना। एक्सक्यूज मी। यस मीरा शास्त्री। यस आप? मिस मीरा शास्त्री। एक बार कहा ना यस, आप ऐसे काट रहे हो या मैं पुलिस को फोन करूं? मैम ये मसला अगर मैं सुलझा दूं तो आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? ओके भाई साहब, आपका क्या प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नहीं, सॉरी मैडम मेरी गलती है। ये लो अपने पैसे। अरे मैं लेता हूं मैम। मैम प्लीज फॉलो मी। थैंक्स सर। इस पर एड्रेस तो मुंबई का है। तो मुंबई में रहने वाले इस होटल में नहीं रह सकते क्या? नहीं रहते, क्यों रहेंगे सर, उनका अपना घर है यहाँ पर,
तो होटल क्यों रहेंगे वो? अच्छा वो क्या है ना सर कि हम घर में रह के ना बहुत बोर हो गए थे, हमने सोचा बाहर आ जाते हैं, होटल में रहेंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा इसलिए। और वैसे ना हम बाहर जाने वाले थे, वो क्या हुआ हम एयरपोर्ट पहुंचे फ्लाइट मिस हो गई। अब फ्लाइट मिस हो गई तो फिर हमने सोचा कि क्या घर वापस जाएंगे, यहीं आ जाते हैं, यहीं पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। सर फ्लाइट मिस हो गई, लेकिन सर आजकल तो हर घंटे पे एक एक फ्लाइट है सर, आपकी एक फ्लाइट मिस हो गई तो आप अगली फ्लाइट पे जा सकते थे। वेरी इंटेलिजेंट सर, वेरी इंटेलिजेंट सर। वो क्या है ना कि जब फ्लाइट मिस हो जाती है तो सर नई फ्लाइट की टिकट खरीदनी पड़ती है, ज्यादा पैसे लगते हैं, तो हमने सोचा सर पैसे बचा लेते हैं, होटल में आ जाएंगे, वही पैसे आपको दे देंगे, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। चाबी दे दीजिए प्लीज। आपकी चाबी सर, रूम नंबर 102। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू, मेरे रूम की चाबी। एक ही कमरा है? What? अरे मैनेजर मुझसे इतने सारे सवाल पूछ रहा था, मैं क्या करता? और एक ही कमरा मिल पाए उतने ही जवाब थे मेरे पास, और हमारी शादी हो चुकी है ना तो दूसरा कमरा कैसे मांगता? तुमने इन्हें बताया है क्योंकि हम शादीशुदा हैं? तो क्या बोलता, भाई बहन है? एक्सक्यूज मी, हमें और एक कमरे की चाबी चाहिए, हम एक रूम में नहीं रहेंगे। मैम आप कौन? मीरा अवस्थी, मेरी वाइफ। मैंने बताया था ना आपको, वो बाहर टैक्सी वाले से बात कर रही थी, सामान निकाल रही थी। If I may add, sir, झगड़ रही थी। Excuse me? मीरा रिलैक्स, मीरा रिलैक्स। आप इनकी पत्नी हैं, तो आपको अलग कमरा क्यों चाहिए? क्यों मतलब? क्यों मतलब क्यों? हम अलग अलग कमरे में रहे या एक ही कमरे में, इससे आपको कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, लेकिन आपके हस्बैंड बता रहे थे कि आप लोग घर में बोर हो गए थे, इसलिए यहाँ आप आए हैं एक साथ रहकर रिलैक्स करने, और अब आप कह रही हैं आपको अलग अलग कमरे चाहिए। वो एक्चुअली क्या हुआ ना सर, हम आते वक्त हमारा झगड़ा हो गया, अब झगड़ा हो गया तो ये नाराज हो गई है, अब नाराज हो गई है तो इन्हें अलग कमरा चाहिए, अलग कमरा नहीं देंगे तो ये बखेड़ा खड़ा कर देंगे यहाँ पर, और एक बार झगड़ा सुलझ जाएगा तो फिर हम एक ही कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक आप दूसरा कमरा दे दीजिए ना। और देखिए आपको तो बिजनेस मिलेगा ना एक्स्ट्रा, दूसरा कमरा देंगे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे और बिजनेस बढ़ेगा आपका, है कि नहीं? और क्या, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि यहाँ झगड़ा हो, है ना, मैं इन्हें कुछ कह दूंगी इन्हें गुस्सा आ जाएगा, तो आप चाहते हैं यहाँ तमाशा हो? नहीं ना, तो एक काम करिए आप और एक कमरे की चाबी दे दीजिए, वरना मैं मैनेजर को बुलाऊंगी। मैडम इसकी जरूरत नहीं है, बंदा हाजिर है, मैं ही इस होटल का मैनेजर हूं। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर आप एक और रूम की चाबी नहीं देंगे ना तो मैं मालिक को बुलाऊंगी। हाँ मालिक को बुलाइए, आप मालिक से बात करेंगे, आप ओनर को बुलाइए आप प्लीज। छोटी सी बात के लिए काहे मालिक को तकलीफ देने, देता हूँ कमरा, एक और दे देता हूँ। हाँ। इनको प्लीज और एक कमरा अलॉट कर दो, 103। हाँ। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। अब मीरा कहाँ जा रही हो? वो एग्जिट है, इधर है रूम, चलो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। शुक्र है कि अगले कुछ दिनों तक सुकून ही सुकून है, यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, अब मैं यहाँ आराम से रहूंगी। वैसे एक बात कहूँ, होटल भी काफी अच्छा है ना? आह अभी कितना सामान है, हेलो
आई एम कॉलिंग फ्रॉम 103. आप किसी को रूम सर्विस में भेज सकते हैं? हाँ, थैंक यू. ओके, थैंक्स. हेलो. हेलो मीरा. हाय डैड. अरे आप पहुंच गए? हाँ. नहीं नहीं डैड, अभी तो मुंबई एयरपोर्ट पे ही हैं. अरे मेरा 2.5 घंटे हो गए, अब तक एयरपोर्ट पे हो? आप डैड, एक्चुअली फ्लाइट डिले हो गई ना, इसलिए हम लोग विंडो शॉपिंग कर रहे थे. कम इन, वन कॉफी प्लीज. कौन सी वाली? वही तो बता रही हूँ. अरे और अभी कहाँ है? अभी डैड, अभी ना वॉशरूम गया है. तो जैसे आता है ना, मैं आपकी बात करवाती हूँ. बेटा तुम्हें अकेले छोड़कर गया वो? अरे डैड, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो वॉशरूम नहीं, मुझे छोड़कर ही चला गया हो, है ना? लेकिन डोंट वरी डैड, वहाँ पहुँचते ही ना हम आपसे बात करते हैं. ओके, कैपुचिनो. कैपुचिनो? अरे बेटा मुझे क्यों बता रही हो, मुझे तो पता है तुम कैपुचिनो पी रही हो. ऑफ कोर्स डैड, इसलिए तो यू आर द बेस्ट, आपको सब कुछ पता है. अच्छा डैड, फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही है, मैं चलती हूँ. ओके डैड, गरम गरम कॉफी के लिए डैड, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. ओके बाय बाय डैड, बाय. क्या कर रहे हो? मैम, I just wanted to ask you whether you would like the lighter one or the stronger one. I mean, they're both strong coffee. Strong. Can you now just please get me a coffee, please? Sure, ma'am. Oh, okay, wait. Once again. Okay. Okay. You have to give this in room number 102. Yeah, I know. And cappuccino in 103. I know that very well now, ma'am. Huh? Can I leave now, ma'am? Yes. Anything else you need, ma'am? Nothing, just a strong coffee. Oh, just a strong coffee. Meera. Dono mein jhagda hua? Haan. Come in, sir. Come in. क्या चक्कर है भाई ये? ये टीवी क्यों नहीं चल रहा है? I'll see. सर इसमें रख दीजिए. Thank you. मैडम ने दिए सर. अच्छा? सर, I was surprised. मैडम आपके कपड़े उठा के फेंक रही थी सर. अच्छा? और आपको बुरा भला भी कह रही थी सर. ऐसा क्या झगड़ा हुआ है? अच्छा? अब बीवी को झगड़ने के लिए कोई बहाना थोड़े ना चाहिए होता है. ओह, दैट्स एन इंटेलिजेंट पॉइंट सर. मैडम बहुत ही गुस्से में दिख रही थी सर, मतलब. अच्छा? तो मैं भी बड़ा गुस्से वाला हूँ, जानते हो सर. हाँ. आप टीवी ठीक करो ना, टीवी क्यों नहीं चल रहा है ये? यस सर, आई गॉट द पॉइंट. आज हो जाएगा ना ठीक? सर, आई एम ट्राइंग सर. नमस्ते पापा जी. अरे सुपुत्र, क्या कर रहे हो तुम? ऐसी आवश्यकताएं घर से पूरी करके जानी चाहिए ना. कैसी आवश्यकता? मूत्र विसर्जन की. वहां पहुंचते ही मूत्र विसर्जन करने चले गए? मीरा को अकेला छोड़ दिया? नहीं पापा, मीरा मेरे साथ में ही है. आप चिंता मत कीजिए, हम बस फ्लाइट में बैठने ही जा रहे हैं. मीरा तो संजय जी को बता रही थी कि विमान को निकलने में विलंब है. इतनी जल्दी विमान में बैठ के क्या करोगे? अंकल अभी तक घर पे हैं क्या?
हाँ, हमने आग्रह करके उन्हें रोक लिया। नहीं पापा, मीरा वो सही कह रही है, फ्लाइट तो डिलेड ही है, लेकिन वो क्या है ना, आजकल एयरलाइंस वाले कहते हैं कि जल्दी फ्लाइट में बैठ जाना चाहिए ताकि फ्लाइट मिस ना हो ना, एंड यू नो वी आर वेरी पंक्चुअल, नेवर लेट, दैट्स व्हाई। आप चिंता मत करो, बस हम पहुंच जाएंगे, ठीक है? अच्छा मीरा, ये सामान पकड़ना जरा। हाँ ठीक है पापा, वहां पहुंच के फोन कर दूं। अरे 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 मीरा मीरा, अरे ध्यान से पकड़ो, लैपटॉप है। जी जी पापा, सब ध्यान से कर लिया। आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओके बाय। स्वस्थ रहो बेटा। एक्सक्यूज मी सर, आप भी कैपुचिनो कॉफी लेंगे सर? जी बिल्कुल नहीं लूंगा, आप टीवी पे ध्यान दीजिए ना, उसको ठीक कीजिए। सर माफ कीजिएगा, मैं अभी जाके किसी टेक्नीशियन को भेज देता हूँ सर, क्योंकि आई थिंक द प्रॉब्लम इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड सर। क्या? हाँ हाँ ठीक है, जाइए। सर इनकेस आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बुलाइएगा सर, 9 नंबर घुमाएगा, मैं आ जाऊंगा सर। आएंगे तो तब जब आप जाएंगे, जाइए। That's again a very intelligent point, sir. Okay, sir.